नवादा में खाद की कालाबाजारी से घुसाए किसानों ने जमकर काटा बवाल। पकड़ी बरावा प्रखंड मुख्यालय के किसानी भवन पहुंच आक्रोशित किसानों ने जमकर बवाल काटा। किसानों का आरोप है कि खाद की किल्लत के कारण धान की फसल प्रभावित हो रहे हैं, मिल भी रहा है खाद तो ज्यादा मूल्य लिया जा रहा है। वही मौके पर आए जिला कृषि पदाधिकारी लक्ष्मण प्रसाद को भी किसान के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। किसानों को समझाते हुए कृषि पदाधिकारी ने कहा, खाद वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ से कम्प्लेन था किसानों का, जिसको वजह से जो है यहाँ पर 370 मैट्रिक टन अभी भी जो है यहाँ के रिटेलर के दुकानों पर है, और किसान से यही बताने आ रहा है कहाँ कहाँ किस दुकान पर है, उसका आज लिस्ट पर चपका देते हैं पीएस मशीन में वहाँ पर। किसान आ रहा है, दौड़ के जा रहा है, फसल बर्बाद हो रहा है सर, और आप यहाँ चिपकाने के लिए तैयार है? क्या चिपकाने के लिए उसका लिस्ट चिपका देते हैं? आप क्या कम गिरता है, धान का रोपाई कम होता है, 35 दिन 40 दिन हो गया किसान के धान के पास खाद नहीं मिल रहा है, काम नहीं है खाद बनवाना, तो फिर नहीं है तो आप क्या काम कर रहे हैं? आपका काम नहीं तो क्या मतलब है? पूरे जिले का क्या देखे हुए हम जाइए ऑफिस में आके बात कीजिए, किससे बात करें? बीओ से बात किए तो आप यहाँ रेड कर लाए हैं, हम लोग को पता नहीं है कि खाद मिल रहा है। कल यहाँ के हमारे कुछ किसानों ने हमारे पास जो है मैसेज फोन किया और पेपर प्रेस मीडिया में आप लोग का प्रेस प्रेस के द्वारा जो है जो रिपोर्ट आई थी कि इसमें देख रहे थे कि जो है पकड़ी बरवा में यूरिया की डिमांड हो रही है, मांग ज्यादा है। तो मैं बता दूं कि यहाँ अभी पकड़ी बरवा में 370 मैट्रिक टन यूरिया जो है कल के डेट में था, है ना, और उसी को देखने के लिए कि यूरिया के की वितरण का क्या व्यवस्था हो रही है। तो मैं बीओ को आदेश दे रहा हूँ और साबिक कोऑर्डिनेटर किसान सलाहकार को भी आदेश दिया, वो पहले से भी ये भी दिए बीओ साहब जब सभी और सभी रिटेलर जहां यूरिया पड़ा हुआ है वहां पर जो है हमारा स्टाफ रह के वितरण कराएगा। अगर 266.50 रुपया से एक पैसा अगर कोई रिटेलर लेता है तो उस पर प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ FIR भी की जाएगी। साथ ही जो है हमारा स्टाफ दिन रात वहां मेहनत करेगा और दिन पर रह के वो जो है सब किसानों को जितने किसान जाएंगे सबको यूरिया उपलब्ध कराएगा, DAP उपलब्ध कराएगा।